और आइए आपको इस वक्त सीधे लिए चलते हैं जहां जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं टीएसी के मुद्दे को लेकर। यह अधिकार राज्यपाल के अधिकार पर अतिक्रमण, इतना गलत तथ्य की जानकारी प्रेस के माध्यम से दी गई, महामहिम राज्यपाल महोदया को भी बरगलाया गया, उनको इस बात से छिपाया गया कि 2006 में जब रमन सिंह की सरकार आई उस वक्त उन्होंने इसी प्रावधान के तहत छत्तीसगढ़ का ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल के नियमावली में संशोधन किया था और वो भी ठीक इसी प्रकार का नोटिफिकेशन था। उसके खिलाफ बीके मनीष जी जो रायपुर के रहने वाले थे वो एक पीआईएल फाइल करते हैं 19/11/2012 को। वो पीआईएल रिट पिटीशन जो होता है उसका नंबर है 23/2012। उस पे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यतीन्द्र सिंह जी और न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर, इनकी खंडपीठ ने अपना जो निर्णय दिया वो मार्च 2012-2013 को दिया, मार्च 12-2013 को दिया, जो 2012 में रिट पिटीशन हुआ था। इसमें मंत्रिपरिषद के जो निर्णय लिए गए थे उसको जायज ठहराते हुए अपना 7 पन्ने का एक जजमेंट दिया, जो जजमेंट आपको आज उपलब्ध करवा दिया गया। इसके बाद जो याचिकाकर्ता थे वो इसको लेकर स्पेशल लीव पिटीशन SLP फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। वहां पर भी न्यायमूर्ति जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला और न्यायमूर्ति अभय मनोहर सापरे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस SLP को खारिज कर दिया और केस को एडमिट नहीं किया। उसका दस्तावेज भी हम लोगों ने आपको दिया है। अब सवाल उठता है कि इस पे भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति हो, जब रमन सिंह जी इस तरह का बिल पास करते हैं तो केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उस वक्त ये विवाद कहीं नहीं आया था, लेकिन आज इसको एक बिना सर पैर का एक विवाद का विषय बनाया जा रहा है। आप सबको मालूम है कि राज्य सरकार के 2019 में बनने के बाद TAC के गठन को लेकर हमारी सरकार ने दो-दो बार राज्यपाल महोदय के पास सदस्यों की नामों की सूची भेजने का काम किया, लेकिन दोनों बार माननीय राज्यपाल जी महोदया ने उस सूची को ना मानते हुए लौटा देने का काम किया। ये प्रेसिडेंस है
कि राज्यपाल अपना कोई भी निर्णय वो बिना राज्य सरकार के परामर्श और निर्णय के बिना नहीं ले सकते, और यह संवैधानिक प्रावधान भी है अनुसूची 11 के तहत। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा भेजे गए नामों पर आपत्ति करना, वो भी लगातार दो बार, कहीं ना कहीं दर्शाता था कि राजभवन शायद इस सरकार के आसीन होने से खुश नहीं है, और इसीलिए संवैधानिक प्रावधानों के तहत ये कानून बनाना पड़ा, क्योंकि 5th शेड्यूल में जो TAC है उसके अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, उनका ट्राइबल होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि TAC का होने का जरूरत। लेकिन विगत 5 वर्षों में एक नॉन ट्राइबल द्वारा TAC की बैठकों की अध्यक्षता की गई, उस वक्त राज्यपाल महोदया ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आज चूंकि हमारा स्टेट जो 5th शेड्यूल के अंडर का स्टेट है, जब एक ट्राइबल मुख्यमंत्री ट्राइब्स के कॉन्स्टिट्यूशनल जो शील्ड है, जो कवच है, उसको बचाने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं को तकलीफ होने लगती है। यह अजीब विडंबना है। हम लोगों ने देखा है कि विगत दिनों कई सारे यूनिवर्सिटीज में सीनेट सिंडिकेट का सदस्य मनोनीत कर दिया गया। कुलान विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय पदाधिकारी और सदस्य, उनको एक तरफा सीनेट सिंडिकेट का सदस्य मनोनीत कर दिया गया। राज्य सरकार से किसी तरह की सलाह नहीं ली गई। कई विश्वविद्यालय के कुलपतियों का कार्यकाल में विस्तार दे दिया गया, उस पर भी कोई विचार नहीं हुआ। अब जब सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करने जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ होने लगती। हमको लगता है कि संघीय ढांचे में जो लगातार BJP के द्वारा प्रहार हो रहा है, उसका ये एक जीता जागता नमूना। कल भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रगण जब राज्यपाल से मिले तो एक दुखद घटना के बारे में भी उन लोगों ने कहा, जो रूपांतरित की, जो हमारी बहन थी उसकी मौत हो जाती है, पुलिस जिसमें तहकीकात कर रही है, SIT का गठन हो चुका है, जो फॉरेंसिक सैंपल्स है उनको कलेक्ट करके हैदराबाद भेजा जा चुका है, वहां से रिपोर्ट की इंतजार किया जा रहा है। वैसे वक्त में आज माननीय गवर्नर महोदया
राज्य के पुलिस मुखिया डीजीपी को बुलाते हैं और उनको कहते हैं इस पर निष्पक्ष जांच के लिए, हम भी तो निष्पक्ष जांच चाहते हैं, लेकिन उनका जो जो राजभवन से जो विज्ञप्ति आती है उसमें कहा जाता है कि जांच संदेहास्पद है। जब इस राज्य का संवैधानिक मुखिया अपने राज्य पुलिस पर इस प्रकार से बात करे तो हमको लगता है जो आज बंगाल में चल रहा है, जो आज दामन दीव में चल रहा है, जो दिल्ली में चल रहा है, कैसे वैसी स्थिति यहां ना उत्पन्न हो जाए। राज्यपाल का पद गरिमा का पद है और राज्य सरकार के जो सलाह मशविरे हैं उसको लेकर आगे बढ़ने का पद है। कोई भी राज्यपाल किसी भी राज्य का वो अपने पावर का एक्सरसाइज विदाउट कंसेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं कर सकते। तो यहां पर ऐसी क्या बातें हो जाती कि अवकाश के दिन में राजभवन के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो भी उस मुद्दे पर जिस पर उनके सहमति से कैबिनेट ने निर्णय लेने का काम किया। हमको लगता है कि ये चीजें सही नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य को जो इस महामारी के संकट काल से गुजर रहा है किसी तरह व्यवस्थाएं फिर अपनी जगह लौटने को आतुर है। जीविकोपार्जन जब अपेक्षित है तो राज्य शासन और समाज को इस प्रकार से अस्थिर करने का जो मंशा भारतीय जनता पार्टी का है वो नापाक है, वो घृणित काम है। हम लोगों को निश्चित तौर पर इस बात को समझना पड़ेगा कि आज कौन लोग हैं जो इस चुने हुए लोकतांत्रिक सरकार को प्रश्न चिन्ह के दायरे में ला रहे हैं, जो सरकार लोगों के भलाई के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके सामाजिक संवर्धन के लिए कृतसंकल्पित है, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का काम किया जा रहा है। तो मैंने कल ही आप लोगों से कहा था, कुछ मित्रों से, कि हम आपको दस्तावेज देंगे। हमने आपको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का निर्णय और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देकर यह प्रयास किया कि इससे साफ हो जाएगा कि हम लोगों ने या हेमंत सोरेन जी के अध्यक्षता में जो 4 तारीख को कैबिनेट की बैठक हुई थी उन्होंने बहुत साहसिक, ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए जो इस राज्य के हित के लिए होगा। आज इतना ही कहना था।
कोई सवाल है तो वह अपेक्षित। हमने आपको पहले ही कहा कि जिस प्रकार से विगत 1.5 वर्षों में 2 बार टीएससी के गठन को लेकर सूची भेजी गई, विधायकों की गैर विधायकों की, कहीं ना कहीं उस सूची में माननीय राज्यपाल महोदया को कुछ आपत्ति हुआ होगा। चूंकि ये राज हम लोगों का है, इस राज्य में हम लोग बेहतर जानते हैं कि ट्राइबल समाज का भला और सुरक्षा कौन जनप्रतिनिधि लोग दे सकते हैं, इसलिए वैसे ही सूची बनाई गई थी। लेकिन यह हमारे अधिकार में भी था, यदि इस तरह से विलंब होते रहा तो टीएससी का फंक्शनल होना ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये बदलाव करना पड़ा। बीजेपी को कह रहे कि आप लोग पॉकेट की संस्था बनाना चाहते हैं, अगर सीएम को अधिकार होगा तो उनके साथ सारे सदस्य होंगे, जो मुख्यमंत्री कहेंगे वही सदस्य मानेंगे, तो फिर टीएससी का मतलब क्या हो जाएगा? तो पंचायत है ना, बड़ी पंचायत। देखिए, दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में 2 ही प्रतिनिधि ट्राइबल चुनकर आए, तो जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि टीएससी के मुद्दे पर जिस तरीके से बीजेपी ने विरोध जताया उसका वो जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि इसमें कहीं से विरोध खड़ा करने वाली बात नहीं है और ये बिल्कुल नियम संगत और जायज़ है। वहीं उन्होंने रूपांतर के मामले पर जो राज्यपाल ने डीजीपी को बुलाया है उनसे जानकारी ली है, निर्देश जाँच के दिए हैं सही तरीके से जाँच करने की, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। तो केंद्रीय महासचिव जेएमएम के सुप्रिया भट्टाचार्य इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और आप सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहाँ उन्होंने बीजेपी के द्वारा जो विरोध की बात की गई है टीएससी को लेकर, उस पर इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये बीजेपी बेवजह का इस पर हंगामा कर रही है और कहीं से भी इस पर सवाल उठाना जायज़ नहीं है, ये बिल्कुल नियम संगत फैसला लिया गया है। तो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी को लेकर बीजेपी ने विरोध जताया था और उस पर ये अपनी बात रख रहे थे सुप्रिया भट्टाचार्य केंद्रीय महासचिव जेएमएम के। तो पहले का भी इन्होंने उदाहरण दिया कि 2006 में इसको लेकर कोई विरोध नहीं था और आज बेवजह इस पर विरोध किया जा रहा है और इस मुद्दे को बेवजह उठाया जा रहा है, संवैधानिक प्रावधानों के तहत कानून बनाना पड़ा है ऐसा उन्होंने कहा। इस पर किसी भी तरीके की इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और टीएससी के अध्यक्ष के लिए ट्राइबल होना भी ज़रूरी होता है ऐसा इन्होंने कहा है और इसके साथ ही ये कहा कि बीजेपी बेवजह इस पर सवाल खड़े कर रही है और हंगामा कर रही है जो कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो राज्यपाल की अनुमति के बाद नियम में बदलाव हुआ है, जेएमएम की ओर से बता रहे थे सुप्रियो भट्टाचार्य केंद्रीय महासचिव, बीजेपी ने राज्यपाल को बरगलाया है ऐसा इन्होंने आरोप लगाया और इस वक्त जो विरोध इसको लेकर किया जा रहा है उसको भी उन्होंने बेवजह बताया। साथ ही कहा कि 2006 में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ऐसा किया था और ये बिल्कुल नियम संगत है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी को लेकर जो फैसला लिया गया उसमें कहीं से भी दिक्कत या कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी बेवजह सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी को आखिर क्यों आपत्ति है ये समझ से परे है ऐसा केंद्रीय महासचिव जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य बता रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर इन्होंने ये भी कहा। इसके अलावा उन्होंने रूपा तिर्की के मुद्दे पर भी ये कहा है कि इस पर राज्यपाल
ने डीजीपी को तलब किया था और उस पर सही दिशा में जांच करने की बात कही थी, निर्देश दिया था, जिसको लेकर भी इन्होंने अपनी राय रखी है और साफ तौर पर कहा कि हम लोग भी इस पर साफ और सही तरीके से जांच चाहते हैं। तो ट्रैवल एडवाइजरी कमेटी को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, बीजेपी के द्वारा जो सवाल उठाए जा रहे थे, उसको लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी का पक्ष रखा, साफ तौर पर इसे कहा कि ये नियम संगत है, इसमें कहीं से भी कोई गलती नहीं की गई है। तो राज्यपाल की अनुमति के बाद ये फैसला लिया गया, बीजेपी ने राज्यपाल को बरगलाया है, ऐसा जेएमएम का आरोप है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने, 2006 में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ऐसा ही किया था और ये बिल्कुल नियम संगत किया गया है और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी इसके पक्ष में, सरकार के पक्ष में फैसला दिया था, उसका भी उन्होंने जिक्र किया, उसकी कॉपी उन्होंने दिखाई और साफ तौर पर कहा कि ये कहीं से भी गलत नहीं है। ट्रैवल एडवाइजरी कमेटी को लेकर जो सरकार ने फैसला लिया है, इस पर बेवजह सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, बीजेपी बेवजह इस पर हंगामा कर रही है। क्या हुआ?